इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लेकर तीखे शब्दों में कहा है कि राहुल गांधी का पीएम मोदी के सामने कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है। केरल लिटरेचर फेस्टिवल में गुहा ने कहा कि पांचवी पीढ़ी के राजवंशी राहुल गांधी का कर्मठ नरेंद्र मोदी के सामने राजनीति में कोई भविष्य नहीं है। केरल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को संसद भेजकर विनाशकारी काम किया है। केरल लिटरेचर फेस्टिवल के दूसरे दिन देशभक्ति बनाम अंतर्राष्ट्रीयता विषय पर अपनी बात रखते हुए इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने कहा, मैं व्यक्तिगत तौर पर राहुल गांधी के खिलाफ नहीं हूँ, वे अच्छे हैं और संस्कारी हैं, लेकिन युवा भारत पांचवी पीढ़ी का राजवंशी नहीं चाहता। अगर आप लोग वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में दोबारा राहुल गांधी को चुनते हैं तो इसके जरिए आप नरेंद्र मोदी को लाभ पहुंचाते हैं। उन्होंने केरला वासियों की भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, आप लोगों ने कई गलतियां की हैं, लेकिन राहुल गांधी को लोकसभा में भेजकर आपने विनाशकारी काम किया है। गुहा ने कहा, आजादी के दौरान महान पार्टी रही कांग्रेस अब दयनीय पारिवारिक कंपनी बन चुकी है। हिंदुत्व व अंधराष्ट्रवाद के विकास का यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है। And here I come to my complaint against Malayalis and Kerala. Why did you elect Rahul Gandhi to Parliament? I have nothing against Rahul Gandhi personally. He is a decent fellow, well-mannered fellow. But India does not want, young India does not want a fifth generation dynast. If you Malayalis make the mistake of re-electing Rahul Gandhi 2024, you are merely handing over an advantage to Narendra Modi. दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी को लेकर गुहा ने कहा, नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा लाभ यह है कि वे राहुल गांधी नहीं हैं, वे सेल्फ मेड हैं। उन्होंने 15 वर्षों तक एक राज्य को चलाया है, उनके पास प्रशासनिक अनुभव है, वे बेहिसाब मेहनती हैं और कभी छुट्टी पर यूरोप नहीं जाते। विश्वास करें, मैं ये बातें पूरी गंभीरता के साथ कह रहा हूँ। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।